श्री आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाह विच्छेद के लिए तलाक के लिए मेरे द्वारा आपके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। बरेली में तैनात पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य द्वारा वायरल किए गए कथित वसूली लिस्ट की उच्च स्तरीय जांच की मांग करती है। आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। पीसीएस ऑफिसर ज्योति मौर्य ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि उनके पति ने उनका व्हाट्सएप हैक करके उनके सभी चैट वायरल किए हैं और वो मुझसे 50 लाख रुपए और घर की मांग कर रहे हैं, जिस वजह से मैंने उनके खिलाफ प्रयागराज में मुकदमा दर्ज करवाया है और मैं उनसे तलाक चाहती हूँ। दरअसल पीसीएस ज्योति मौर्य की शादी आलोक मौर्य के साथ 10 साल पहले हुई थी। ज्योति मौर्य का आरोप है कि आलोक ने बताया था कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, लेकिन वो एक सफाई कर्मचारी थे, जिसके बाद अब मैं आलोक मौर्य से तलाक ले रही हूँ। आलोक मौर्य ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी ज्योति उनकी हत्या करवाना चाहती है, जिसकी शिकायत उन्होंने प्रयागराज में थाने में की। वहीं ज्योति मौर्य ने भी प्रयागराज में अपने पति सहित ससुराल के 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। ज्योति मौर्य ने आरोप लगाया कि उनके पति ने उनका व्हाट्सएप हैक कर लिया और फिर उनकी चैट वायरल कर दी। ज्योति मौर्य ने आरोप लगाया है कि उनके पति उनसे 50 लाख रुपए और एक घर की मांग कर रहे हैं। प्रयागराज में मुकदमा दर्ज करवाया है और मैं उनसे तलाक चाहती हूँ। पीसीएस ज्योति मौर्य बरेली के सेमीखेड़ा स्थित शुगर मिल में जीएम के पद पर तैनात है। जानना चाहेंगे आपके पति ने तमाम तरह के आरोप लगाए, पूरा मामला क्या है? देखिए, आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाह विच्छेद के लिए तलाक के लिए मेरे द्वारा आपके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के आरोप लगा। वहीं इस मामले में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने बरेली शुगर मिल में महाप्रबंधक के पद पर तैनात ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य द्वारा वायरल किए गए डायरी के वसूली लिस्ट की जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी के विभिन्न पदों पर तैनाती के दौरान कथित रूप से हस्तलिखित डायरी के पन्नों को सार्वजनिक किया है, जिनमें तमाम एंट्री लिखी हुई है। इन एंट्री में विभिन्न मदों में तथा विभिन्न व्यक्तियों के साथ लेन देन की बातें अंकित बताई गई हैं। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उन्होंने आलोक मौर्य से फोन से भी बात की, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि सारी एंट्री पैसे के लेन देन से संबंधित हैं। जहां एल लिखा हुआ है उसका मतलब लाख से है और यहाँ टी लिखा हुआ है उसका मतलब हजार से है। आलोक मौर्य ने मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्य सचिव, नियुक्ति सचिव सहित सभी अफसरों के पास शिकायत की, लेकिन हर जगह मात्र यह कहा जा रहा है कि यह पारिवारिक विवाद है, इसे आपस में सुलझा लिया जाए। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि सरकारी पद पर बैठकर लाखों करोड़ों रुपए की घूसखोरी की शिकायत किसी भी प्रकार से पारिवारिक विवाद नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई की मांग की है। आजाद अधिकार सेना बरेली में तैनात पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य द्वारा वायरल किए गए कथित वसूली लिस्ट की उच्च स्तरीय जांच की मांग करती है। हमने इस संबंध में यूपी के मुख्यमंत्री से, अविलंब प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी से मामले की जांच कर उत्तरदायित्व के निर्धारण की बात कही है। आलोक मौर्य के अनुसार यह पूरी तरह से सही वसूली लिस्ट है, जिसमें एल का मतलब लाख और टी का मतलब 1000 है। उन्होंने कहा है कि यदि इस मामले की जांच कराई जाए तो निश्चित रूप से सारे तथ्य स्वतः ही सामने आ जाएंगे। इन स्थितियों में इस वसूली लिस्ट की जांच न किया जाना मौजूदा सरकार की जीरो टॉलरेंस के कथित नीति पर गंभीर प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज।
अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।